ये तस्वीरां जो तुसी देख रहे हो NH 205 चंडीगढ़ मनाली मार्ग ते पैंदे कैंची मोड़ दियां हन, जिथे कि निर्माण अधीन 4-लेन नैशनल हाईवे ते इस थां दे उत्ते सही तरीके दे नाल पानी दी निकासी ना होण दे कारण सड़क ने नालियां दा रूप धारण कर लिया है ते सड़कां ते सिर्फ पानी ही पानी नज़र आ रहा है ते सड़क दा कोई भी नामो निशान नहीं दिख रहा, जिस कारण वाहन चालकां नूं खास तौर ते दो पहिया वाहन चालकां नूं भारी परेशानी दा सामना करना पै रहा है। अज इस मूलेधार वर्खा ने हाईवे ते वड्डे वड्डे पत्थरां दा सैलाब खड़ा करता है। सो तस्वीरां च तुसीं साफ देख सकते हो कि किस तरीके नाल सड़क ते पानी दीआं बुछारां लगियां होईआं हन। लोकां दा कहना है कि 4-लेन कंपनी ने सारे पानी नूं सड़क ते पा दित्ता है ते सड़क दे हेठले पासे लोकां दीआं जमीनां नूं भी खतरा बणिआ होइआ है। आओ तुसीं भी देखो इह लाइव तस्वीरां ते करदीआं लोकां दे नाल गल्लबात। जी सर, क्या नाम आपका? राम कुमार। इस रोड का बुरा हाल है, सारा पानी कैंची मोड़ के लेके सारी जमीनों में नालों में पड़ रहा है, ऊपर से पत्थर गिर रहे हैं और जो हमारे नीचे रास्ते हैं छोटे मोटे वो सब खराब हो गए हैं, वो सारी जो ऊपर का मलबा अड़ के आता है खेतों में सारा पानी पड़ गया है, मक्की की फसल बर्बाद होगी, हमारा पशुओं का घास था वो सारा पना पड़ गया है, मिट्टी पड़ गई है, साथ नाले टूट गए हैं हमारे सारे, यहाँ पर हादसा ही बड़ा हो सकता है, ऊपर से पत्थर गिर गिर के रोड पर सारे पड़े हुए हैं। जी मैं मदन लाल, पूर्व उप प्रधान ग्राम पंचायत री जिला बिलासपुर कैंची मोड़ नाम स्थान से बोल रहा हूँ। यहाँ पर मेरा घर भी है और मैं यहाँ पर दुकान भी करता हूँ। आज 3 सितंबर 2021 को जब बहुत भारी बारिश हुई तो उसके कारण NH के दोनों तरफ बहुत जाम लग गया और नैना देवी की तरफ भी दोनों तरफ से जाम लग गया। उसका कारण जो ऊपर से नाला आता है जहाँ पर यह सुरंग बन रही है वो नाला इन्होंने डाइवर्ट कर दिया टनल वालों ने और उसको रोड की तरफ मोड़ दिया। उसमें बहुत भारी बारिश, बहुत बड़ा पानी, बहुत बड़े पत्थर जो कि NH पर और नैना देवी रोड पर आए।